हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की वर्कशीट। ओके, ये पेज नंबर 66 पर है। ओके, पेज नंबर 66। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, उसमें आपको ब्लैंक्स फिलअप करनी है। उसमें ये दिया गया, देखो ए से स्टार्ट करते हैं। 3745 इज मल्टीप्लाई विथ 71। ओके, इनके इक्वल टू, ओके, इक्वल टू 71 मल्टीप्लाई विथ विच नंबर। ओके, तो देखो यहाँ पर भी 71 मल्टीप्लाई विथ 3745। ओके, तो यहाँ पर भी 71 है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3745 आएगा, क्योंकि देखो अगर हम 4 मल्टीप्लाई विथ 5 करें तो क्या आता है, 20 आता है। अगर हम 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ओके, तो भी क्या आएगा, 20। वैसे ही हम 3745 मल्टीप्लाई विथ 71 करें या फिर 71 मल्टीप्लाई विथ 3745 करें, हमें आंसर वही मिलेगा। ओके, तो इनके इक्वल टू यही होगा। अब करते हैं बी और डी। ओके, बाकी सब आपको होमवर्क में करना है। ओके, इसमें सिर्फ ए सी ई और एफ दिया है। ओके, वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, ये अब हम यही करेंगे। 6320 ओके डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमें यही मिलेगा। ओके, वेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 देन द आंसर इज नंबर इट सेल्फ। ओके, ये हमने सीखा था। आगे किसी भी नंबर को हम अगर 1 से डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलता है, नंबर इट सेल्फ मिलता है। ओके, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 6320। ओके, अब डी देखते हैं। देखो 2132 इज डिवाइडेड बाई 2132। ओके, यहाँ पर दोनों सेम ही नंबर है। ओके, वेन एनी नंबर डिवाइडेड बाई नंबर इट सेल्फ। ओके, वेन नंबर इज डिवाइडेड बाई नंबर इट सेल्फ देन द आंसर इज 1। ओके, और इसमें क्या था, वेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 देन द आंसर इज नंबर इट सेल्फ। ओके, वेन नंबर इज डिवाइडेड बाई इट सेल्फ देन द आंसर इज 1। ओके, जब कोई भी नंबर हम उसी से डिवाइड करते हैं। ओके, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 5, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे करें 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 वन जा 5 1 ही मिलेगा। वैसे आप 6 का कर सकते हो। ओके, 6 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या होगा, यहाँ पर 6 वन जा 6, आपको 1 ही आंसर मिलेगा। ओके, वैसे ही 2132 इज डिवाइडेड बाई 2132। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 है ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू है या फॉल्स आपको फाइंड करना है। यहाँ पर बॉक्स है। ओके, बॉक्स बाद में बना लेते। ओके, 371 ओके 371 इज मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, तो क्या होगा आंसर हमारा, क्या होगा, ये होगा 3710 होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो राइट, ओके, ट्रू होगा। अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। 371 इज मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, क्या होगा, दो जीरो को हमें वैसे ही रखना है, इन वन को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इनसे। ओके, वन वन जा 1, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3। ओके, तो हमारा आंसर हमें ये मिलेगा। ओके, पहले दो जीरो को हमें वैसे ही रखना है, फिर 1 का इसके साथ, फिर ये 1 का 7 के साथ, 1 का 3 के साथ। ओके, मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है। तो हमारा आंसर क्या आया, 37100 आया। यहाँ पर एक ही जीरो है तो ये गलत हो गया, तो ये फॉल्स। ओके, अब आते हैं सी पर। जीरो इज मल्टीप्लाई विथ 10 देन द आंसर इज 100। ओके, ये होगा या नहीं होगा, ट्रू या फॉल्स। ओके, जब हम कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर ले लो आप, उसे अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जीरो आता है, ना कि 100 आता है। ओके, तो ये भी हो गया फॉल्स, इनका आंसर आना चाहिए जीरो। यहाँ पर क्या आंसर आया, राइट आंसर क्या होगा, ये होगा।
37100 होगा। ओके अब आते हैं एफ पर, 8000 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर कितना मिलता है 400। ओके ये सही है गलत हमें चेक करना है, अगर सही है तो ट्रू होगा, अगर गलत है तो फॉल्स होगा। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, 20 इज मल्टीप्लाई 8000 इज डिवाइडेड बाय 20। ओके 21 ज़ा 20 22 ज़ा 40 23 ज़ा 60 24 ज़ा 80। ओके 24 ज़ा 80, इनमें से माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 80 तो 0। फिर ये 0 यहाँ पर नीचे लाएंगे, ओके डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा 0, फिर दूसरा 0 नीचे लाएंगे फिर भी डिवाइड नहीं होगा 0, 0 डिवाइड होगा 20 से, नहीं होगा तो फिर एक बार 0, अब कुछ नहीं बचा तो हो गया हमारा आंसर 400। ओके तो हमारा आंसर 400 मिला, तो यह हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू। ओके क्वेश्चन 2 में जो बाकी बचे हैं वो आपको होमवर्क में करना है। ओके